हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटिन्यू आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा हूं, उसी नेट को हम बताने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई इमेज है, उसे अब हमारी इमेज क्या अभी थोड़ी डार्क है, उसको हमें ब्राइट करना है, उसकी थोड़ी डिटेलिंग बढ़ाने कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए शुरू करता हूं, आपको बताता हूँ। चलो उसके लिए हमने क्या यहाँ पे एक इमेज ले रखी है, ठीक है। यहाँ देखिए एक इमेज है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एरिया इसका क्या है, डार्क है, और उसे हमें ब्राइट करना है, थोड़ी डिटेलिंग बढ़ानी है। यहाँ देख रहे हैं डिटेलिंग क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, और यहाँ देख रहे हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। ये जो सबसे बेसिक तरीका है ब्राइटनेस बढ़ाने का, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यह है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। आप यहाँ जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ दो चीज़ें देखेंगे, ऊपर ब्राइटनेस, नीचे कॉन्ट्रास्ट। अब जैसे देखिए इसमें ब्राइटनेस को आप लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, आपका इमेज देखिए क्या डार्क होते चला जाएगा, देखिए आपका पूरा काला हो जाएगा। और इमेज जिसको जैसे स्लाइडर को राइट लेके जाएंगे, आपकी इमेज देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राइट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें क्या है व्हाइटनेस ऐड होते जाती है। जैसे जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आपकी इमेज देखिए चारों तरफ उतनी ब्राइट हो रही है, देखिए इस तरह से आपकी व्हाइट होती जाएगी। अब रहा नीचे की तरफ कॉन्ट्रास्ट, ये क्या आपको डिटेलिंग देती है। अब देखिए अब इसके कॉन्ट्रास्ट को जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे इसकी डिटेलिंग थोड़ी कम होती है, और जैसे इसको राइट की तरफ ले जाएंगे आपकी डिटेलिंग इसमें देखिए ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। इस तरह से इजीली आपका किसी भी इमेज में क्या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को इमेज को आप ब्राइट कर सकते हैं, चमक ला सकते हैं। अच्छा चलिए इसको मैंने अभी ये करके बंद कर रहा हूँ। अब एक एक करके अभी मैंने दोनों बताया, आपको एक एक करके बताता हूँ। इमेज में गए, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। अब पहले आते हैं हम ब्राइटनेस पे। अभी इसकी देखिए ब्राइटनेस है वो थोड़ी डल है, इसको हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, अब ध्यान दीजिए इमेज पे आपकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, चमक बढ़ रही है, थोड़ी लाइट हो रही है इस तरह से। देखा इस तरह से आपकी इमेज क्या होगी, लाइट होती चले गई। आपको जितना चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें मान लो इस इमेज को डार्क करना है, बहुत सारे हमें क्या डिजाइनिंग में रिक्वायरमेंट होती है इमेज को डार्क रख के उसके ऊपर हम लिखें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसको लेफ्ट की तरफ करते हैं। जितना लेफ्ट करेंगे इमेज हमारी क्या उतनी डार्क होती चली जाएगी, देखिए जितना लेफ्ट जाएंगे हमारी इमेज उतनी डार्क होती चलेगी। इस तरह से हमने कर दिया। अब हम आते हैं कॉन्ट्रास्ट की तरफ, इमेज में आए, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस आप समझ गए। अब आते हैं कॉन्ट्रास्ट की तरफ। हम जैसे जैसे इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे इसकी कॉन्ट्रास्ट देखिए अंदर की तरफ जाते जाएगी ये, और जैसे जैसे इसको बाहर की राइट की तरफ लाएंगे आप इस ध्यान से देखेंगे इस एरिया डार्कन एरिया को, ये कॉन्ट्रास्ट इस तरह से आपकी क्या करेगी, पूरा पूरा क्या करेगा ये इस एरिया को, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है वो डल करते जा रहा है। अब देखिए इसको लेफ्ट करेंगे या देखिए आप इसमें उल्टा चलता है ये ब्राइटनेस को, अगर आप इसको मैं बीच में रखता हूँ, ठीक है, ब्राइटनेस हम राइट करेंगे इसमें चमक बढ़ती है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में इसका उल्टा हो, जैसे जैसे राइट करेंगे ये क्या करें डार्क एरिया को डार्क करते जाएगा, और लेफ्ट करेंगे ये अब ये क्या करता है इमेज को ब्राइट करते जाएगा, ठीक है। समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप सीधी सी बात है, आपको चमक चाहिए तो राइट की तरफ कीजिए और डार्क चाहिए तो लेफ्ट की तरफ कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है, 50 पे। अभी कॉन्ट्रास्ट को भी रख रहा हूँ मैं 50 पे, दोनों अभी क्या है इस तरफ है। अब देखिए मैं ब्राइटनेस तो आप समझ गया, कॉन्ट्रास्ट की बात ध्यान से देखिए, जैसे हम ब्राइट किए हमारा डार्क एरिया क्या और डार्क होते गया, कॉन्ट्रास्ट होते गया, और जैसे ही लेफ्ट की तरफ करेंगे माइनस की तरफ, आपको देखिए जो एरिया डार्क था उसको इसने निकालना चालू किया, ये देख रहे हैं ये यहाँ भी निकाला, और इसको हम थोड़ा सा क्या है यहाँ ब्राइट करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे ज़्यादा ब्राइट करेंगे ये एरिया आपकी थोड़ी डल हो जाएगी, तो इसमें यही अगर आप कॉन्ट्रास्ट को कम कर रहे हैं तो थोड़ी यहाँ पर क्या करें ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कीजिए, जिससे आपका ये एडजस्ट होगा। इस तरह से नॉर्मली आप क्या है स्लाइडर को लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब चलिए हम इमेज पर आती है, तो नॉर्मल दिन था, अब इस इमेज पर आती है। यहाँ जैसे हमने एक इमेज यूज़ कर रखी है, ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें ब्राइट करना है, तो उसके लिए क्या करना, इमेज में आए, एडजस्टमेंट में आए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में आए। अब इसको देखिए हम इस सिर्फ इस इमेज पे कर रहे हैं, हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, देखिए आपकी इमेज क्या है ब्राइट हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट आते जा रही है, देखिए इस तरह से आपकी लाइट हो रही है। अब इसमें ज़्यादा करेंगे तो इमेज देखिए पूरी ख़राब हो जाएगी, तो हमने क्या थोड़ी सी आपको करनी है तो हम थोड़ी सी कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट देखिए जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा उसमें कॉन्ट्रास्ट इसमें डेप्थ आते जाएगी, और जैसे लेफ्ट की तरफ करेंगे लेफ्ट देखिए इस तरह से इसमें डार्कन एरिया ऐड होते चली जाएगी। तो आप यहाँ से क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप थोड़ी कॉन्ट्रास्ट और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के इसको आप डिटेलिंग को एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तब क्योंकि वहाँ पे था आपका क्या यहाँ पे सिंगल इमेज थी, जैसे मैं F7 दबा के लेयर खोलता हूँ या सिंगल इमेज थी, लेकिन यहाँ जब देखिए हमने मल्टीपल लेयर्स में काम किया तो सब के साथ कर सकते हैं। जैसे इस बैकग्राउंड पे हम इस बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक किया, अब इसकी जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करनी है तो हम इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में गए। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, देखिए जो बैकग्राउंड थी ये इमेज क्या हमारी और ब्राइट होते चली जाइए, देखिए इस तरह से। अभी मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, 0 पे। अब इसकी कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं, देखिए लेफ्ट करूँगा इसकी कॉन्ट्रास्ट ध्यान से देखिए जो डिटेलिंग है इस तरह से आ रही है, और राइट की तरफ जैसे जैसे जाएंगे डिटेलिंग देखिए डार्क होती चली जा रही है, देखिए इस तरह से, यानी कि डेप्थ बढ़ते जा रही है। तो इस तरह से आप क्या है नॉर्मली किसी इमेज के साथ बैकग्राउंड के साथ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू आप क्या इसको
एडजस्ट कर सकते हैं, एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास, हम फोटोशॉप में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके किसी इमेज को सही कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगता है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।